Three, two, one. 27 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का दिन। तो दोस्तों, हमने 19 नवंबर शुक्रवार यानी जुमा के दिन रोज़ की कटिंग लगाई थी, जो हमने पॉट में लगाई थी और ऊपर से शॉपर से उसे ढक दिया था। तो आज है 27 तारीख नवंबर की और उसे कुल 8-10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं कलम को। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टेम निकलना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, जूम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी छोटी छोटी स्टेम निकलना शुरू हो गई है, यानी हमारी जो रोज़ की कटिंग थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हम अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं कि शॉपर के अंदर कटिंग कितनी जल्दी ग्रो पाती है। अगर आप इसे बिना शॉपर के लगाते तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना मिलने की वजह से और सर्दी ज़्यादा मिलने की वजह से ये सूख भी जाती या ज़्यादा पानी मिलने की वजह से गल जाती। जबकि अगर आप इसे शॉपर में रखते तो बस इसे एक ही बार पानी देना होगा और ऊपर से शॉपर ढक दे और तभी निकाले जब इसके आपको बाहर से शूट्स निकलते हुए दिखाई दे। तो हमने इसे शॉपर को हटा दिया है। आप देख सकते हैं इसका अंदर का पानी अभी भी सूखा हुआ नहीं है, मिट्टी अभी भी गीली है। तो हम इसे पानी वानी कुछ देने नहीं वाले। आप इसे देख सकते हैं इसकी स्टेम निकल चुकी है, ये रोज़ की कटिंग की। ये ऊपर से इसलिए काली है कि इसके अंदर हमने शॉपर से ये ढका हुआ था, इस पर से ह्यूमिडिटी मिलने की वजह से ये काली है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी शूट्स कैसी निकल रही है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी सक्सेसफुली वीडियो देख सकते हैं, हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते। तो अब इसे वापस से ढक देते हैं, जब इसकी ट्रांसप्लांट का वक्त आएगा तो हम नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।